नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन वाले सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोग उसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसका भी ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस 8 से लेके 14 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स द मैजिशियन जजमेंट, ये अपने तरीके से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, दिन भर यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, लेकिन ये आपको नहीं दिखाएंगे कि इनको रिकॉन्सिलेशन चाहिए। ये अपने तरीके से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये रिकॉन्सिलेशन के लिए यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, अपने पैतरे को अजमा रहा है। कुछ पैतरे ये दिखाएंगे, इनको लगता है कि ये जो चाहे जब चाहे आपको अपने तरफ ला सकता है। माइंड गेम मैनिपुलेशन इनके बाएं हाथ का खेल है, ये अपने मुताबिक जरूरत के मुताबिक आपको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इनको लगता है कि कोई बात नहीं, ये बात नहीं कर रहा है, चला गया है, मैं तो कभी भी इनको अपने तरफ बुला सकता हूँ। जब भी आएंगे आपके तरफ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, अपनी माइंड गेम से, मैनिपुलेशन से, आपका माइंड को ये कैच कर लेंगे, अपनी माइंड आपकी माइंड को ये कभी भी हैक कर सकता है। ऐसा इनको लगता है कि आप तो कोई बात नहीं, आपको मनाना, आपके साथ रिश्ते में आना, जब मन चाहे चले आए, जब मन चाहे चले गए, जो भी करता है ये भी इनको लगता है इनकी मर्जी से रिश्ता चलता है, आपकी भूमिका कुछ नहीं है। इनका दिमाग इतना शार्प है, इतना शातिर दिमाग है, इनको माइंड गेम मैनिपुलेशन इतने अच्छी तरीके से आता है, तो किसी भी तरीके से आपको मना ही लेगा, कोई बात नहीं, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, ये अपने पैतरे अपना के आपको मना लेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको अपनी पावर पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी दिमाग पर बहुत गुरूर है, खुद को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बंदा या बंदी समझते हैं। कह रहे हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी मैंने इनको छोड़ा, अभी फिर से मैं इनको अपने तरफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कितना भी झगड़ा हो, कितना भी परेशान हो, रिश्ता कितना भी खराब स्थिति में हो, ये चुटकी में उस रिश्ते को सही कर लेते हैं, ऐसा इनको लगता है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। देखो भाई कितना आपको लगे, देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बॉटम में देखने आए, चाहते तो बहुत कुछ है ये बंदा। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, द मून के कार्ड, चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। कभी उनको लगता है यार ये क्या मेरे सोलमेट कनेक्शन है, मैं इस रिश्ते को भूल ही नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, हमेशा ये रिश्ता मेरे दिमाग में चलता रहता है। कभी उनको लगता है रिश्ते को बैलेंस कैसे किया जाए, इसमें इतनी झूठ, इतनी फरेब, इतनी बातें छुपाया जाता है, तो इस रिश्ते को बैलेंस कैसे किया जाए। अगर आप इसकी एनर्जी में हो, जैसा एनर्जी मैंने बताया कि
अगर आप इनके साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन ये सब करते हो, कभी भी रिश्ते में आना, रिश्ते से चले जाना, अपने मुताबिक सोच के मुताबिक रिश्ते को चलाना, तो बंदा इस वजह से दुखी है कि इनको लगता है कि अरे ये रिश्ता तो सोलमेट वाला रिश्ता है, तो इस रिश्ते में इस तरीके का बिहेवियर कैसे कोई कर सकता है। अगर ऐसे आप हो पाइसिस कि रिश्ते को अपने मुताबिक चलाते हो, आपके लिए बायत का खेल है, कभी इनको डांट दिया, कभी फटकार दिया, कभी बातें बंद कर दिया और कभी फिर से बुला लिया अपने पास, ऐसा अगर आप करते हो तो बंदा इनडिसाइसिव है, ये चाहते हैं रिश्ते को बैलेंस करना, इनको लगता है कि ये रिश्ता तो सोलमेट वाला रिश्ता है, तो बंदा ऐसा करता क्यों है, बातें क्यों छुपाता है, झूठ क्यों बोलता है या बोलती है, ऐसा इनको लगता है, ये चाहते हैं कि रिश्ते को बैलेंस करें, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, रिश्ते में इतनी झूठ इतनी फरेब है, तो ये चाहते हैं ये रिश्ता बैलेंस हो जाए और सोलमेट जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को आप फील करो। अगर ये बदमाशी कर रहा है, मतलब अगर ये ऐसा सोच रहा है, तो चाहते हैं कि आप रिश्ते को समझो, अगर आप कर रहे हो तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, और अगर ये झूठ बोल रहे हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो परेशान हो, तो भी ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपको ये समझाए कि अरे ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता है, इसमें झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्या करे, आपको किस तरीके से समझाए। ये चाहते हैं कि आप समझ जाओ, या फिर आप चाहते हो कि ये समझ जाए, जो भी हुआ हुआ। आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, पाइसिस आप खुद पाइसिस हो, देख लेते हैं इनका एक्शन देख के पता चले, कोई लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है, ये भाई एक्शन ले रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज करेंगे, रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, एक्शन लेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, अगर आना संभव हुआ तो ये आपकी तरफ आएंगे, अगर नहीं हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेगा, बंदा इंतजार कर रहा है आपके तरफ से कोई क्लू मिल जाए और ये आगे बढ़ेंगे। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का भी इंतजार कर रहा है, हो सकता है आप दोनों एक साथ जॉब बिजनेस कुछ करते हो, तो कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जिससे ये बात करना शुरू कर सकते हैं, तभी ये एक्शन ले लेंगे, ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज जरूर करेंगे, आपके साथ रिश्ते को सही करने की कोशिश जरूर करेगा बंदा। आप किसी एरिस के साथ, लियो, कोई टॉरस, पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो, लिब्रा भी हो सकता है, सिर्फ इंतजार कर रहा है आपके तरफ से सिग्नल मिलने का, ये कोशिश करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। देख लेते हैं गाइडेंस फॉर पाइसिस, रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव तरीके से सब कुछ सोचना है, जो आप सोचोगे पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, अगर आप सोच रहे हो कि ये बंदा आएगा, ये झूठ बोल रहा है, ये वो, तो आप गलत सोच रहे हो, आप पॉजिटिव तरीके से सोचो, देखो आपको सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, आपको पॉजिटिव रहना है तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव वे में सब कुछ आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगा। नेगेटिव सोचिए मत, नेगेटिविटी को अपने आसपास मत आने दीजिए, क्योंकि झूठ फरेब इस रिश्ते में चल रहा है इस रिश्ते में मैनिपुलेशन है, माइंड गेम है, लेकिन आपको खुद को पॉजिटिव रहना है, अगर बंदा ऐसा कर रहा है तो ये खुद को चेंज करेगा, अगर आप पॉजिटिवली चीजों को देखो सोचो।
अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये कभी नहीं सुधरेगा, ये अच्छा बंदा या बंदी नहीं है, ये है, तो वैसा होगा। लेकिन ये आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करता है, तो आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो बंदा धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और रिश्ता भी पॉजिटिव बन जाएगा आप लोगों का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।